सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंदे कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रदानं सर्व धर्मानां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते वहे अरिहंतादि महान करी मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी उनकी है मौलिक कृति मोक्षमार्ग प्रकाशक जो कि मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने में समर्थ है। वह नौ अधिकारों में निबद्ध है। उसके पहले अधिकार में हमारी चर्चा मंगलाचरण क्यों किया जाता है इस पर चल रही थी कि मंगलाचरण करने का कारण क्या है। आवाज़ नहीं आ रही होगी, काम नहीं कर रहा है, आवाज़ आ रही है ना कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है इस पर हम विचार कर रहे हैं कि हम लौकिक में भी या कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण करने का कारण क्या है? तो पंडित जी ने बताया कि सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो और पाप के कारण कोई विघ्न ना हो, कि ग्रंथ की समाप्ति सुख पूर्वक हो और कोई विघ्न ना हो पाप के कारण, पेज नंबर 8 है। इसलिए हम मंगल करते हैं। तो वहाँ शंका कारण ने दो शंकाएँ ली, वो शंकाएँ किसने ली? ये जो शंकाएँ आई हैं इसमें किसने उठाई हैं शंकाएँ? पंडित टोडामल जी ने, है ना। तो शंका का अलग से नहीं है, ये उनकी एक विशेष शैली है कि खुद ही क्वेश्चन उठा के खुद ही उसका जवाब दिया है कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे क्या प्रश्न उठ सकता है, उस प्रश्न को उठा के उसका समाधान किया है। तो उन्होंने पहले कहा कि सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो और पाप के कारण कोई विघ्न ना हो, इसीलिए मंगल करते हैं। तो किसी ने शंका ली कि अन्यमती जो होते हैं जो मंगल नहीं करते हैं उनके भी ग्रंथ की समाप्ति निर्विघ्न रूप से देखी जाती है। तो वहाँ क्या जवाब दिया पंडित जी ने कि जो अन्यमती हैं वो कषाय का पोषण करने वाले ही अर्थों को धरेंगे, इसलिए उनके एक तो कार्य की निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल किए बिना ही हो सकती है। यदि ऐसा मंगल करेंगे तो मोह की मंदता हो जाएगी, कषाय मंद हो जाएंगी, तो ऐसा विपरीत कार्य नहीं बनेगा। फिर उसके बाद दूसरी शंका आई थी कि ये भी हमने माना लेकिन कोई मंगल करता है उसके भी दुख दिखाई देता है और कोई मंगल नहीं करता है उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप को नहीं दिखाई देता है, तो उसका क्या आंसर बताया था पंडित जी ने? क्या आंसर बताया था? तो एग्जाम में मैं बता देता हूँ एग्जाम पर क्या था आंसर, आप बताना। जैसे कल एग्जाम्पल बताया था कि कोई बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, जिसके पिता दादाओं से उसको संपत्ति मिलती रही है, उस पर बहुत कर्जा भी हो तो भी वो कर्जा दिखाई नहीं देता, वो कमा नहीं रहा है लेकिन फिर भी उसके पास इतना पैसा है कि कर्जा दिखाई नहीं दे रहा है, पैसा ही दिखाई दे रहा है। और एक व्यक्ति है जो कमा रहा है लेकिन उस पर कर्जा इतना है कि वो पैसा दिखाई नहीं दे रहा, कर्जा दिखाई दे रहा है,
लेकिन कमाना तो वास्तव में धन का ही कारण है, वो कर्जे का कारण नहीं है, है ना। तो सिद्धांत क्या बताया था इस पर पंडित जी ने? हाँ, कि यदि यदि पूर्व में हमने बहुत पुण्य बांधा हुआ है तो अभी यदि कोई मंगल ना भी करे तो भी उसके वो पुण्य का उदय दिखाई देता है, पाप का उदय नहीं दिखाई देता। और किसी ने पहले बहुत ज़्यादा पाप बंद किया हुआ है तो ऐसा मंगल करने पर भी उसके पाप दिखाई देता है, सुख दिखाई नहीं देता। लेकिन विचार करने पर मंगल करना तो सुख ही का कारण है, जैसे कमाना धनी का कारण है, चाहे वो नहीं कमा रहा है, चाहे वो नहीं कमा रहा है लेकिन फिर भी उस पर हमें धन दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मीन्स ये नहीं है कि कमाना धन का कारण नहीं है, कमाना धन का ही कारण है। और जो कमा रहा है उसके कर्जा दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी कमाना धन का ही कारण है, उस पर कर्जा दिखाई दे रहा है और उस पर कर्जा नहीं दिखाई दे रहा है, वो तो उस पर बहुत संपत्ति है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे ही यहाँ पर उसके बहुत पुण्य का उदय है, उसने पहले बहुत पुण्य बांधा हुआ है इसीलिए उसके पाप का उदय दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं पाप का उदय नहीं हो, लेकिन पाप का उदय लग नहीं रहा है हमको, पाप का उदय बहुत कम है, पुण्य का उदय ज़्यादा है। और जिसने पहले बहुत पाप बांधा हुआ है उसके पाप का उदय ज़्यादा है, पुण्य का उदय बहुत कम है, तो उसके पाप का उदय दिखाई दे रहा है और उसके पुण्य का उदय दिखाई दे रहा है। लेकिन यथार्थ में विचार करने पर मंगल सुख का ही कारण है, इतनी बात कल हो गई थी। उसके बाद फिर पंडित जी ने कहा कि वह कहता है कि वह कौन है यहाँ पे? हाँ, कि है ना, पंडित जी खुद ही उस क्वेश्चन को उठा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कह रहा है, वो शंका का की तरफ से खुद ही क्वेश्चन उठा रहे हैं और खुद ही उसका समाधान करेंगे। तो वह कहता है कि यह भी माना कि जो आपने बताया, अन्यमति वाला भी माना और ये भी माना, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक हैं उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की और मंगल ना करने वाले को दंड नहीं दिया, सो क्या कारण? कि जो जिन शासन के भक्त देवादिक हैं उन्होंने मंगल करने वाले की सहायता नहीं की और जिसने मंगल नहीं किया उसको दंड नहीं दिया, तो क्या कारण है? तो पंडित जी ने कहा, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है, उसी ही के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं, इसीलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। कि सुख दुख होने का प्रबल कारण क्या है? कर्म का उदय, पाप का उदय नहीं, कर्म का उदय। हाँ, उसी के अनुसार ही बाह्य निमित्त बनते हैं, उसके अनुसार संयोग बनते हैं, इष्ट रूप या अनिष्ट रूप जैसे भी संयोग बनते हैं वो पाप पुण्य के अनुसार बनते हैं, इसीलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहायता का निमित्त नहीं बनेगा और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनेगा, है ना। जैसे बड़े पंडित जी की रचना में आता है, कल भी लाइन ली थी, पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। कि पापोदय में सहायता का निमित्त नहीं बन सकता और पुण्योदय में दंड का निमित्त नहीं बन सकता। तो जिसके पाप का उदय है वो मंगल कर भी रहा है लेकिन फिर भी देवादिक उसकी सहायता नहीं कर सकते, फिर निमित्त नहीं बनेगा ऐसा। और किसी के पुण्य का उदय है और मंगल नहीं कर रहा है तो उसको दंड का निमित्त नहीं बनेगा। यह निमित्त कैसे नहीं बनता, सो कहते हैं, जो देवादिक हैं वे छवसम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। देखो, निमित्त कैसे नहीं बनेगा, उसमें पाप पुण्य का कारण तो है ही उदय का, और भी क्या कारण हो सकते हैं? कि जो देवादिक हैं वो कैसे हैं, छवसम ज्ञान के धारी हैं, तो सबको नहीं जान सकते वो कि कौन कहाँ पे मंगल कर रहा है, कौन कहाँ मंगल नहीं कर रहा है। हाँ, लिखा ना, जिन शासन के भक्त, तो जिन शासन के भक्त वही हैं। तो जो देवादिक हैं वो छवसम ज्ञान के धारी हैं, सबको युगपत नहीं जान सकते, इसीलिए मंगल करने वाले क्या हुआ? क्या छवसम ज्ञान? छवसम किसे कहते हैं? शॉर्ट में आप ये समझ सकते हो कि
जो पूरी तरह से इसका क्षय नहीं हुआ है, थोड़ा सा दबाया हुआ है। मीन जैसे ज्ञान है तो छाया ज्ञान तो हमको नहीं है, मतलब ज्ञान की पूर्णता तो हमको नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान प्रकट है ना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कह सकते हैं, जैसे अभी बादल हो रहे हैं तो सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़े से बादल छटे, है ना, पूरे बादल नहीं छटे हैं अभी, थोड़े से बादल छटे तो थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश आ गया, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अभी सूर्य के प्रकाश का क्षयोपशम है ना। पूरी तरह से क्षय नहीं हुआ है, बादल पूरे नहीं हटे हैं, बादल अभी भी है लेकिन थोड़ा सा प्रकट है। तो ऐसे ही ज्ञान थोड़ा सा प्रकट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जितना क्षयोपशम है उसके अनुसार ज्ञान प्रकट होता है। तो जो देवादिक है वो क्षयोपशम ज्ञान के धारी है, क्षयोपशम ज्ञान सबको है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको क्षयोपशम ज्ञान ना हो। निगोद के जीव को भी ज्ञान है क्षयोपशम ज्ञान, चाहे वो बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन है ज्ञान उसको भी, क्योंकि ज्ञान उसका गुण है, तो ज्ञान से रहित तो नहीं पाया जाता वो। जैसे है ना, यदि हम जो मैंने एग्जाम्पल लिया अभी, जैसे बादल हो रहे हैं है ना, तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन वो अंधेरा रात जैसा तो नहीं होता है ना, थोड़ा सा वो रहता है ना। मीन ऐसा कह सकते हैं कि चाहे बादल पूरे घिरे हुए हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो सूर्य का प्रकाश प्रकट है। तो ऐसे निगोदिया जीव को भी थोड़ा सा तो ज्ञान है, वो बहुत कम है ज्ञान, गोमट सार में पढ़ेंगे हम तो बिल्कुल ना के बराबर ज्ञान है वो, लेकिन है ज्ञान उसको भी, स्वयं ज्ञान से रहित कोई भी नहीं है। तो जैसे जैसे पर्याय बढ़ती गई, स्थावर में थोड़ा और ज़्यादा है, फिर तृष्ण में दो इंद्रिय में थोड़ा ज़्यादा है, तीन इंद्रिय में ज़्यादा है, चार इंद्रिय में थोड़ा और ज़्यादा है, पंच इंद्रिय में संगी को ज़्यादा है चार इंद्रिय से, फिर संगी पंच इंद्रिय को और ज़्यादा है, फिर उसके बाद और क्षयोपशम की कैटेगरी बनती जाती हैं, अनंत प्रकार हैं उसके क्षयोपशम ज्ञान के। तो जो देवादिक हैं वो कैसे हैं, क्षयोपशम ज्ञान के धारी हैं, तो सबको युगपत नहीं जान सकते। युगपत कौन जान सकता है, जिसको छाया के ज्ञान हो, है ना, छाया ज्ञान होता है केवल ज्ञान। तो जिसको छाया ज्ञान हो मीन्स ज्ञान पे जितना भी आवरण था वो पूरा हट गया हो, तो पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। तो जिसको पूर्ण रूप से ज्ञान प्रकट हो गया वही युगपत जान सकता है सब चीज़ों को। तो जो क्षयोपशम ज्ञान के धारी देवादिक हैं वो किसने मंगल किया किसने मंगल नहीं किया सबको नहीं जान सकते, और जानेंगे नहीं तो सहायता का दंड का तो बात ही नहीं बनती फिर। इसीलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है, एक बात तो ये हुई। इसीलिए यदि उनका जानपना ना हो तो कैसे सहायता करें अथवा दंड दें, है ना, एक बात तो ये हो गई कि उनका जानपना ही ना हो तो कैसे करेंगे। और यही जानपना हो भी जाए कि उन्होंने किसी काल में जान भी लिया कि इस जीव ने मंगल किया है इस जीव ने मंगल नहीं किया, तब स्वयं को जो अति मंद कषाय हो तो सहायता करने के या दंड देने के परिणाम ही नहीं होते। यदि उसकी कषाय इतनी मंदता रूप है कि उसके परिणाम ही नहीं है किसी की सहायता करने के, किसी को दंड देने के, उनके परिणाम ही ना बने देव के, तो फिर वो क्यों करेंगे। तो दूसरा रीजन क्या रहा कि उनके परिणाम ऐसे ना बने, कषाय की मंदता हो, तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, है ना। तो देखो अभी तीन रीजन हो गए, एक तो जानपना ही ना हो, जानपना हो और कषाय अति मंद हो तो भी नहीं बनता, और कषाय तीव्र हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता। तो मंगल करने वाले की सहायता करें या नहीं करने वाले दंड दें तो बनेगा ही नहीं, जिसको धर्मानुराग होगा वही करेगा। और यदि कषाय मध्यम रूप हो और कार्य करने के परिणाम भी हुए और अपनी शक्ति ना हो तो क्या करें, कि कषाय भी मध्यम रूप है उनके परिणाम भी हो रहे हैं और उन्होंने जान भी लिया कि इस जीव ने मंगल किया है इस जीव ने मंगल नहीं किया है, लेकिन उनकी शक्ति ही ना हो, शक्ति ना हो का क्या मीनिंग है, यदि उनकी शक्ति ही ना हो तो क्या करें। नहीं, शक्ति का क्या मीनिंग है, ये कह सकते हैं हम कि सामने वाले का पुण्य का उदय है तो उनकी शक्ति बनेगी ही नहीं ऐसी कि वो दंड दे सकें, कि उनकी शक्ति ही नहीं है उस समय ऐसी ही दंड देते हैं। तो मीन्स ये कह सकते हैं हम कि पुण्य का उदय है तो उनमें कोई शक्ति नहीं है दंड देने की, और यदि पाप का उदय है तो उनमें शक्ति नहीं है सहायता करने की। तो उनमें शक्ति ना हो तो क्या करें, तो नहीं कर सकते सहायता या दंड, इस प्रकार सहाय करने का अथवा दंड देने का निमित्त नहीं बनता। और यदि अपनी शक्ति हो
और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्मा की सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं, कि नियम नहीं है कि सहायता करेंगे ही दंड देंगे ही। यदि ऐसा पूछा जाए कि मंगल करने से देवादिक धर्मात्मा की सहायता करते ही हैं, तो क्या आएगा उसका आंसर? है ना कि करते ही हैं, ऐसा नियम नहीं है। करते हैं वो बात ठीक है, लेकिन करते ही हैं ऐसा नियम नहीं है, है ना। उसका पुण्य पाप का उदय भी काम करेगा और उनका छवसम ज्ञान भी काम करेगा। मीन्स वो निमित्त रूप ही तभी बनेंगे, मीन उपादान कारण निमित्त कारण दोनों होंगे तो ही वो सहायता करेंगे या दंड देंगे। तो इसीलिए ऐसे इस प्रकार कोई नियम तो है नहीं, ऐसे समाधान किया। यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख ना होने की, सहाय कराने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषाय में है, तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। कि सुख होने की, दुख ना होने की, किसी की सहायता कर दें, किसी को दुख दिला दें, किसी को दंड दे दें, ऐसी जो इच्छा है वो इच्छा कैसी है? कषाय में, जो आगामी काल में और तत्काल दुखदायक ही है। तो यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि किसी की सहायता करने के परिणामों से क्या होता है, किसी की सहायता करने के परिणामों से क्या होता है, पुण्य का बंद होता है, और दूसरे में बे में कि वो परिणाम भी दुखदायक हैं, है ना। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन घुमा के आएगा थोड़ा और, है ना। हाँ क्या दुखदायक क्यों है? जैसे समय साल में एग्जाम्पल आया है अचानक कुंदकुंद ने दिया कि आपको जेल में बांधा गया, ये तो लोहे की बेड़ी से बांधा गया, ये सोने की बेड़ी से बांधा गया, कौन सी बेड़ी से बांधना अच्छा है? हाँ सोने की बेड़ी से बांधना अच्छा है, बांधना अच्छा है मतलब, है ना। तो वैसा ही ये दुखदायक है, जैसे वो सोने की बेड़ी भी दुखदायक है, उसकी वो भी बनने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं सोने की है तो चलो बन जाते हैं, है ना। तो वैसे ये परिणाम पुण्य रूप है चाहे, लेकिन है संसार का ही कारण, मुझ का कारण नहीं है, इसलिए दुखदायक है। क्योंकि संसार दुखी देने वाला है, संसार में नाम मात्र भी सुख नहीं है, और कोई किसी को सुख दुख दे नहीं सकता। दे सकता है क्या? आपने किसी की सहायता करने की इच्छा की कि हम उसकी सहायता करें, लेकिन उसका पाप का उदय हो तो कैसे सहायता करोगे? नहीं कर सकते ना। तुम अपने परिणामों से पुण्य या पाप बांधते हैं, लेकिन वो पुण्य या पाप रूप परिणाम भी कैसे कषाय में ही हैं, पुण्य के परिणाम भी कषाय में हैं, चाहे मंद रूप हैं, है तो कषाय ही मंद कषाय है, और पाप रूप परिणाम तो तीव्र कषाय रूप है ही, तो परिणाम तो दोनों ही कषाय में है, और कषाय आकुलता का ही कारण है, सुख का कारण नहीं है। तो इसीलिए तत्काल और आगामी काल में दुखदायक है। इसीलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक बीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अरिहंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। कि हमने तो ऐसी इच्छा छोड़ दी है कि किसी की सहायता करें, किसी को दुख दिलाएं, सुख हो दुख ना हो, ये सारी इच्छाओं को छोड़कर हमने तो एकमात्र वितराग विज्ञान रूप होने के अर्थी हुए हैं। हमारा प्रयोजन तो एकमात्र वितराग विज्ञान रूप होने का है, और उसी प्रयोजन के अर्थी होकर अरिहंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। अब मंगलाचरण करने को पंडित जी बता रहे हैं कि ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है, कि ये ग्रंथ प्रामाणिक है तो क्यों है? तो बताओ आपने क्या पढ़ा था, ग्रंथ की प्रामाणिकता क्यों है, ग्रंथ प्रामाणिक कैसे है? हाँ नहीं, ग्रंथ का ये प्रामाणिक कैसे है कि ये ग्रंथ सही है, इसमें जो लिखा हुआ है वो सही है, ऐसी प्रामाणिकता आपने कैसे की? देखो पंडित जी क्या बता रहे हैं,
इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्धोत करते हैं। वहाँ यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने के हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। अकार आदि अक्षर हैं, वे अनादि निधन हैं, किसी के किए हुए नहीं हैं। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार का है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं कि जो अक्षर हैं वो अक्षर कैसे हैं, अनादि निधन हैं। वो अक्षर किसी ने बनाए नहीं हैं। उनका आकार लिखना कि दो अक्षरों को लिख के शब्द बनाया है या तीन अक्षरों को मिलकर शब्द बनाया है, वो अपनी इच्छा अनुसार है, उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन जो अक्षर हैं वो अक्षर तो कैसे हैं, अनादि निधन हैं, किसी ने बनाए नहीं हैं। तो ये ऐसा प्रश्न किया जाए कि मुच्छमार प्रकाशक ग्रंथ के अक्षरों की रचयिता कौन है? पंडित टोडामल जी। तो ऑप्शन यदि ऐसे आए कि मोक्षमार प्रकाशक ग्रंथ के अक्षरों की रचयिता कौन है, पंडित टोडामल जी, पंडित दौलतराम जी, आचार्य कुंद कुंद या और भी ऑप्शन जो भी हो, तो क्या आंसर आएगा उसका? अनादि निधन वो ऑप्शन में ना हो तो ये भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं है ना, तो पंडित टोडामल जी उसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अक्षर तो अनादि निधन है, वो किसी ने बनाए नहीं है, है ना। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार का है। अच्छा, और क्वेश्चन यदि ऐसा आए मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के मूलकर्ता पंडित टोडामल जी हैं, सही है कि गलत है? सही है, माइनस वन, गलत है आंसर इसकी। अभी आगे वो आएगा, मैंने पहले ही बताया था, पंडित जी ने इसमें लिखा है कि मूलकर्ता तो तीर्थंकर केवली ही हैं, इसमें लिखा है, आगे आएगा, अभी आ जाएगा ये विषय, आगे आएगा वो विषय, आ जाएगा अभी, आज ही आ जाएगा। तो मूलकर्ता भी नहीं है, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कर्ता की बात होती है तो मूलकर्ता तो तीर्थंकर केवली ही हैं। उत्तरकर्ता में पंडित टोडामल जी की कह सकते हैं कि उत्तरकर्ता, मैंने ये बताया था उत्तरकर्ता में गणदेव आते हैं, और उससे उत्तरकर्ता की बात करें तो पंडित टोडामल जी को ले सकते हैं, लेकिन मूलकर्ता की बात की जाती है मेनली, तो पंडित तो तीर्थंकर केवली ही मूलकर्ता हैं ग्रंथ के, है ना। तो अकार आदि अक्षर हैं, वे अनादि निदान है, किसी के किए हुए नहीं हैं। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे ही प्रवर्तते हैं। इसीलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समाम नाय, इसका अर्थ है कि जो अक्षरों का संप्रदाय है सो सैम सिद्ध है, उनको किसी ने बनाया नहीं है, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद उनके समूह का नाम श्रुत है, सोवी अनादि निधन है, क्योंकि इन अक्षरों से ही बना है, तो वो भी कैसा है, अनादि निधन है। जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है तो जीव को बतलाने वाला है, लेकिन वो पद कैसा अनादि निधन है, ऐसा नहीं किसी ने बनाया हो उसको। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद उनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। पुनश्च जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं, कि मोती तो है कि जैसा है वैसा है, लेकिन अब उसका गहना बनाना है तो कोई थोड़े से मोतियों को लेके बनाएगा, कोई बहुत सारे मोतियों को लेके बनाएगा, कोई कलरफुल मोती लेके बनाएगा, कोई डिजाइन डाल के बनाएगा, फिर कलरफुल, फिर वाइट, फिर कोच। तो गहना बनाना तो इच्छा के अनुसार है, लेकिन मोती कैसे हैं जो उसमें हैं गहने में, सेम सिद्ध हैं। वैसे ही वो अक्षर और अक्षरों के पद वो तो सेम सिद्ध हैं, लेकिन उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ, इसीलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। कि मैं भी उन सत्यार्थ पदों को,
अपनी बुद्धि के अनुसार गूंथ के ग्रंथ बनाता हूँ, उसमें अपनी मति से कल्पित झूठे अर्थों को नहीं लिखूंगा, इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। फिर किसने शंका की कि उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है, कि आपने जो बताया कि वो स्वयं सिद्ध हैं, लेकिन उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत कैसे आई, हम कैसे माने कि इस ग्रंथ में भी उन पदों की परंपरा चल रही है। तो कह रहे हैं कि अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सर्व का ज्ञान होता है, इसीलिए उन पदों का उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है कि वो तो छाय ज्ञान के धारी हैं, केवल ज्ञान है, सर्वज्ञ हैं, उनको तो सर्व का ज्ञान है, तो उन पदों का और उस अर्थों का सत्य ज्ञान है, उनको यथार्थ ज्ञान है, और उनका जो उपदेश हो रहा दिव्य ध्वनि से उससे भी अन्य जीवों को भी उन पदों का अर्थों का यथार्थ ज्ञान हो रहा है। उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्णक रूप ग्रंथ गूंथते हैं तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्य आदिक नाना प्रकार ग्रंथादिक की रचना करते हैं, उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं, इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी काल है, उसमें 24 तीर्थंकर हुए जिनमें श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए, उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। परंपरा तो ऐसे चली, और भरत क्षेत्र में परंपरा कैसे चली, 24 तीर्थंकर हुए, अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी हुए, उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर दिव्य ध्वनि से उपदेश दिया और उनके उपदेश का निमित्त पाकर गौतम नामक गणधर ने अगम्य अर्थों को भी जान के, जो अर्थ अगम्य थे जिनको जान नहीं सकते थे उनको भी जाना, और धर्मानुरागवश अंग प्रकीर्णकों की रचना की। अंग प्रकीर्णकों की रचना कौन करते हैं, गणधर देव। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए, वहाँ पीछे इस पंचम काल में 3 केवली हुए, गौतम, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। कितने केवली हुए, 3, कौन कौन, और जम्बू स्वामी। तत्पश्चात कालदोष से केवल ज्ञानी होने का तो अभाव हुआ है ना, उसके पश्चात केवल ज्ञानी होने का अभाव हो गया कि अब केवली नहीं हो सकते इस काल में, परंतु कुछ काल तक द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे, कि जो द्वादशांग के पाठी थे वो रहे, श्रुत केवली रहे। फिर उनका भी अभाव हुआ, फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, पीछे उनका भी अभाव हुआ, तब आचार्य आदिकों द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही, कि वहाँ तक तो अंगों के ज्ञान वाले रहे, जब अंगों के ज्ञान वाले का अभाव हो गया तो आचार्य आदिकों ने उनके अनुसार, जो गणधर देव ने द्वादशांग के पाठी श्रुत केवलियों ने, एक एक अंग के पाठी देवों ने, आचार्य आदिकों ने जो ग्रंथ बनाए उसके अनुसार इन्होंने ग्रंथ बनाए, और उस उन ग्रंथों के अनुसार अन्य आचार्य आदिक ने ग्रंथ बनाए, इस प्रकार उन सत्यार्थ अर्थ के वाचक पदों की परंपरा रही। उनमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्छति हुई तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदि ना होने से विच्छति हुई, कि उसमें भी जो ग्रंथ अवेलेबल रहे उनमें भी दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्छुति हुई, मतलब मैज्यों ग्रंथों की विच्छुति हो गई है ना, तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदि ना होने से विच्छुति हुई। मैंने जब ये पढ़ाया था पिछले, जब मैंने एग्जाम्पल बताया था विच्छुति का, क्या बताया था याद है, हाँ, महीनों तक, बहुत सालों तक, सालों महीनों तक उसकी होली जलती रही, इतने ग्रंथों का विच्छुति हुई, और महान ग्रंथ है उनका अभ्यास आदि नहीं हुआ तो उनकी विच्छुति भी हो गई, तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं, कि जो महान ग्रंथ है उनका अभ्यास क्यों नहीं होता, बुद्धि की मंदता के कारण। जैसे कि दक्षिण में गौमठ स्वामी के निकट मूर बद्री नगर में धवल, महाधवल, जयधवल पाए जाते हैं परंतु दर्शन मात्र ही हैं, तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं
उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है कि एक तो कुछ ग्रंथ मैथ्य ग्रंथ तो पाए नहीं गए, विच्छुति हो गई, और कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो पाए जाते हैं लेकिन बुद्धि की ममता इतनी है कि उनका अभ्यास नहीं होता। और अपनी बुद्धि के अनुसार अभ्यास हो सके ऐसे ग्रंथों में भी कुछ ही ग्रंथों का अभ्यास हो पाता है। ऐसे निकष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ, परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। क्या वर्तमान में भी जैन ग्रंथों में सत्यार्थ अर्थ के वाचक पदों का सद्भाव विद्यमान है? है ना, तो हाँ ना, मेरी आई क्वेश्चन उसका आंसर आएगा हाँ, है ना। अपनी बात देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ तक तो उन्होंने परंपरा बताई और भारत क्षेत्र में परंपरा कैसे चली वो बताई। अब कह रहे हैं कि हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की, इसमें हमारे पूर्व संस्कार से व भली होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ, जिससे व्याकरण न्याय गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके टीका सहित समयसार पंचशास्त्रिकाय प्रवचनसार नियमसार गौमटसार लब्धिसार त्रिलोकसार तत्वासूत्र इत्यादि शास्त्र और छपनासार पुरुषार्थ सिद्धोपाय अष्टपहर आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र और चतुष्टु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं, उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास बरतता है, उससे हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है कि पूर्व संस्कार से और भली होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ है ना, जिसमें व्याकरण न्याय गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके, किंचित का क्या अर्थ है, थोड़ा सा, यहाँ किंचित क्यों बताना चाह रहे हैं पंडित जी ने, किंचित शब्द क्यों लिखा है, थोड़ा। मैंने बताया था उसका कुछ प्रयोजन, मैंने ये बताया था कि ऐसा नहीं करें कि व्याकरण न्याय गणित आदि ग्रंथों के अभ्यास में उलझ के रह जाएं, है ना। महान जैन ग्रंथों को समझने के लिए गणित आदि उपयोगी है, लेकिन यदि हम उसको समझने के लिए गणित आदि व्याकरण न्याय आदि ग्रंथों में उलझ के रह जाएंगे और मनुष्य पर्याय को खो देंगे तो जो जैन शास्त्र उनका अभ्यास कब करेंगे। इसलिए बुद्धि, यदि अपनी बुद्धि इतनी हो और समय भी हो तो बुद्धि अनुसार किंचित उनका अभ्यास करके, थोड़ा सा उनका अभ्यास करके मेन जैन शास्त्रों का अभ्यास करना, ऐसा उनका प्रयोजन हो सकता है किंचित शब्द लिखने का। तो उसके बाद उन्होंने ग्रंथों के नाम बताए, इत्यादि शास्त्र हैं उनमें हमारी बुद्धि अनुसार अभ्यास बरतता है कि जितनी हमारी बुद्धि है उसके अनुसार अभ्यास बरतता है, उससे हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है कि हमें भी थोड़ा सा सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है कि जिनको इतना ज़्यादा छह उपसम है वो भी क्या कह रहे हैं कि हमको थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, मैं कितनी निर्माणता है उनके अंदर उसका पता चलता है। तो हमें भी ऐसी निर्माणता रखनी चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान करने पर हमें मान नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, कि जितना भी जानते हैं वो छह उपसम ज्ञान के सामने भी बहुत थोड़ा सा है, ना के बराबर है। केवल ज्ञान के सामने तो बात ही नहीं है, अवधि ज्ञान मन परिज्ञान के सामने भी बात नहीं है, अवधि ज्ञान मन परिज्ञान भी छोपसम ज्ञान है, उन छोपसम ज्ञान के सामने अवधि ज्ञान मन परिज्ञान को भी छोड़ दें, मति शुद्ध ज्ञान को भी लें, तो मति शुद्ध ज्ञान का भी जो छोपसम है वो भी इतना ज़्यादा हो सकता है कि उसके सामने हमारा जो वर्तमान छोपसम ज्ञान है वो ना के बराबर है, मति शुद्ध भी इतना ज़्यादा हो सकता है। तो हम उस पर मान ना करें, घमंड ना करें। पुनश्चय निकष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं, उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो इस हेतु धर्मानुरागवश देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है कि हमसे भी हीन बुद्धि के धारक जीव हमको दिखाई देते हैं, उनको भी इनका अर्थ भाषित हो, इसीलिए धर्मानुरागवश हमको देश भाषा में ग्रंथ रचने की इच्छा हुई है कि जिसमें वो मंद बुद्धि के जीव भी समझ सकें। इसलिए हम ये ग्रंथ बना रहे हैं, इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं,
परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ भी नहीं है कि उसको देशभाषा में लिख रहे हैं, लेकिन अर्थ में कोई व्यभिचार नहीं है। जैसा अर्थ उनका है वैसा ही अर्थ इसका है। इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्तती है। अब इस ग्रंथ में असत्य पद की रचना नहीं हुई ऐसा हम कैसे माने? तो कोई पूछता है कि परंपरा तो हमने इस प्रकार जानी कि आपने बताया कि ऐसी परंपरा चल रही है, तो उस परंपरा से यहाँ भी वो सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्तती है, परंतु इस परंपरा में सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई है, असत्यार्थ पद नहीं मिले, ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो कि उस परंपरा में बीच में कहीं पर असत्यार्थ पद या झूठे पद नहीं मिलाए गए, ऐसी प्रतीति हमको कैसे हो, कैसे विश्वास करें हम? तो कह रहे हैं कि असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं हो सकती, क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महाबुरा हो और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फलरूप नरक निगोद में गमन करना पड़े, ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोधमान माया लोग अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है, किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है। कि तीव्र कषाय होगी भाई असत्यार्थ पदों की रचना कर पाएगा। असत्यार्थ पदों की रचना करने से क्या होता है? इसमें ये आंसर दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं, यदि प्रश्न पूछा जाए ऐसा कि असत्यार्थ पदों की रचना करने से क्या होता है, तीव्र कषाय के तो कारण होता है असत्यार्थ पदों की रचना। असत्यार्थ पदों की रचना करने से क्या होता है कि अनेक जीवों का महाबुरा होता है और स्वयं को भी नरक निगोद में गमन करना पड़ता है। तो उसका आंसर ये होगा, क्वेश्चन यदि आएगा तो, असत्यार्थ पदों की रचना करने से क्या होता है ना? तो ऐसा तो महाविपरीत कार्य है कि अनेक जीवों का भी बुरा हो और स्वयं को भी नरक निगोद में गमन करना पड़े, ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोधमान माया लोग अत्यंत तीव्र हों, तीव्रता लिए हुए हों तो ही हो सकता है। और जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है, कि जैन धर्म में तो इतना तीव्र कषाय वाला कोई होता नहीं है। क्यों नहीं होता तीव्र कषाय वाला जैन धर्म में? जैन धर्म में तीव्र कषाय वाला व्यक्ति क्यों नहीं होता? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा? देखो आगे वाले पैराग्राफ में आंसर आएगा उसका। प्रथम मूल उपदेश दाता तो तीर्थंकर केवली हैं, सो तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कषायों से रहित ही हैं। फिर ग्रंथकर्ता गणधर तथा आचार्य वे मोह के मंद उदय से सर्व बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कसाई हुए हैं। कि तीर्थंकर केवली तो कैसे हैं, कसाय रहित हैं, और गणधर आचार्य हैं, उनके मोह इतना मंद है, इतना मंद है, सर्व बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित हैं, वो महामंद कसाई हैं। मंद कसाई नहीं है, महामंद कसाई हैं, कि संजरण रूप कसाय बच्ची है, वो कसाय कैसी है, ना के बराबर है। उनके उस मंद कषाय के कारण किंचित सुपयोग की ही प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ प्रयोजन ही नहीं है। असुपयोग तो पाया ही नहीं जाता, सुपयोग की ही किंचित प्रवृत्ति पाई जाती है। तथा श्रद्धानी ग्रस्त भी कोई ग्रंथ बनाते हैं तो वे भी तीव्र कसाई नहीं होते। जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर अब आ रहा है, यदि उनके तीव्र कषाय हो तो सर्व कषायों का जिस तिस प्रकार से नाश करने वाला जो जिन धर्म, उसमें रुचि कैसे होती? कि यदि उसमें तीव्र कषाय व्यक्ति होगा तो जो जो धर्म कषाय का नाश करने का बता रहा है, येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से कषाय को नष्ट करने का ही बता रहा है, ऐसे धर्म में उसकी रुचि नहीं होगी, है ना? तो इसलिए यदि तो जैन होगा वह तीव्र कषाय नहीं हो सकता। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा कि यदि व्यक्ति तीव्र कसाई होगा तो उसकी सर्व कसायों का नाश करने वाले जिन धर्म में रुचि नहीं हो सकती, इसीलिए जैन धर्म में ऐसा कसायवान नहीं होता। अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कसाय का पोषण करता है तो करो,
परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाया का पोषण करे तो जैनीपना नहीं रहता। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कसाई कोई नहीं होता जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय पर्याय में बुरा करे। ये बात हमने मानी। अब आगे क्या शंका आ रही है, यदि कोई जैनाभास हो, मीन्स हमको आभास हो रहा है कि वो जैन है लेकिन वास्तव में वो जैन नहीं है, यदि कोई जैनाभास तीव्र कसाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या किया जाए? कि कोई जैनाभास है वो जैन नहीं है लेकिन हमको ऐसा आभास हुआ कि वो जैन है, उसने ग्रंथ रचा और उसने असत्यार्थ पदों को मिला दिया, तो उसकी परंपरा नहीं चलेगी, ऐसा हम कैसे माने? भाई आप कह रहे हो कि असत्यार्थ पदों की रचना तीव्र कसाई वाला कर सकता है और जो जैन होगा वो कसायवान नहीं होगा, लेकिन कोई जैनाभास व्यक्ति है जो हमको लगा कि ये जैन है, उसने ग्रंथ की रचना की और उसने वो जैन आभास है, जैन तो है नहीं, तीव्र कसाय उसमें हो सकती है, तो उसने यदि असत्यार्थ पदों को मिला दिया हो और उसकी परंपरा चले तो क्या करेंगे हम? तो देखो क्या बता रहे हैं, जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती, इसीलिए परीक्षा करके पार की ठगाता भी नहीं है। कि यदि किसी ने सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दिए, कुछ नकली मोती मिला दिए, तो असली मोती नकली मोतियों कुछ तो फर्क दिखता है, तो जो पारखी होगा वो परीक्षा करके ठगाएगा नहीं, है ना? जैसे इसमें मैंने वही बताया था कि एक सोने की ईंट है, तो उसने यदि उसमें तांबा मिलाया हुआ है तो एक प्योर सोना और एक तांबा मिला हुआ सोना, उन दोनों की झलक में या उन दोनों के बोलें उसको कि चमक में अंतर रहता है, तो जो पारखी होगा वो परीक्षा करके सोने की ईंट के नाम पे या मोतियों के गहने के नाम पे ठगाया नहीं जाएगा। कोई भोला होगा वही ठगाया जा सकता है मोती के नाम से, तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है ना, कि कोई ना कोई निषेध कर देगा कि ये तो नकली मोती हैं। कोई ठगाया भी गया यदि भोला व्यक्ति तो उसकी परंपरा नहीं चलेगी, लेकिन कोई ना कोई उसका निषेध कर देगा। जैसे सोने की ईंट के हम बहुत सारे न्यूज पेपरों में केस आते हैं, है ना, तो किसी ने उसका निषेध किया तभी तो पता चला ना कि ये सोने की ईंट नहीं है, तो कोई व्यक्ति ठगाया गया लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ठगाया नहीं जाएगा, कोई ना कोई उसका निषेध कर देगा। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्र में असत्यार्थ पद मिलाए परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कसाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, कि किसी भी प्रकार से कसाय घटे और लौकिक कार्य कसाय मिटे और लौकिक कार्य घटे, ऐसा प्रयोजन है। और जो असत्यार्थ पद किसी पापी ने मिलाए हैं उनमें कसाय का पोषण करने का और लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है, इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था उस समय कि जीवों को पालने जीवों की दया पालने से संसार सीमित हो जाता है, यह कथन असत्यार्थ पद वाला है कि सत्यार्थ पद वाला है? जीवों की दया पालने से संसार सीमित हो जाता है, यह कथन सत्यार्थ पद वाला है कि असत्यार्थ पद वाला है? सत्यार्थ वाला क्या सत्यार्थ वाला, ये बताओ बस। कैसे कथन अपेक्षा कैसे लगाओगे? जीव की बात ही नहीं है यहाँ पे, मैंने पूछा जीव की दया पालने से या जीव की दया के परिणाम से संसार सीमित हो जाता है? सीमित हो जाता है, फिर जो जीवों की दया पालो आप बहुत ज़्यादा, संसार सीमित होते होते मोक्ष हो जाएगा। यही जीवों की दया पालने से संसार सीमित होता हो तो फिर तो जीवों की दया बहुत ज़्यादा पालो, संसार सीमित 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 और मोक्ष।
कि जीवों की दया भी कैसा है, संसार बंध का कारण है, संसार सीमित करने का कारण नहीं है। तो यदि यह कथन जहाँ पे जिस ग्रंथ में आया हो उस ग्रंथ में किसी ने असत्यार्थ पदों को मिलाया है, मीन्स वो ग्रंथ पढ़ने योग्य नहीं है, बांसने सुनने योग्य नहीं है, है ना। कि जीव की दया पालने से या जीव की दया के परिणाम से संसार सीमित हो जाता है ना। तो देखो इसी पंडित जी ने लिखा कि कोई मूर्ख मूर्ख व्यक्ति हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है, कि कोई व्यक्ति मूर्ख होगा वही ठगाया जाएगा कि ये जैन शास्त्र है। जैन शास्त्र में कहा गया है कि जीवों की दया पालनी चाहिए, कहा गया नहीं कहा गया है, नहीं कहा गया जैन शास्त्र में, नहीं कहा गया जीवों की दया पालनी चाहिए। जीवों की दया पालनी चाहिए ये तो जैन शास्त्र में कहा है, लेकिन जीवों की दया पालने से मोक्ष हो जाएगा या संसार सीमित हो जाएगा ऐसा नहीं कहा गया। जहाँ ऐसा बताया गया हो वो असत्यार्थ है। जीवों की दया पालनी चाहिए तो वो तो जीव की हिंसा से बचाने के लिए उपदेश दिया गया है, चरणानि योग में तो भर भर के आएगा ये कथन, है ना। तो ये नहीं कि वो जैन शास्त्र नहीं है, तो सही है, तो असत्य है, है ना। तो इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, कि उसका प्रयोजन तो क्या है कथन का, संसार को बढ़ाना ही है ना। और जैन शास्त्र का तो प्रयोजन क्या है, कषाय मिटाने का, लौकिक कार्य घटाने का, या संसार को घटाने का मिटाने का, संसार को सीमित करने का। इसलिए प्रयोजन नहीं मिलता, इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। कोई मूर्ख व्यक्ति हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगाया जाता है, तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई उन असत्यार्थ पदों का निषेध करता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे तीव्र कसाई जैनावास यहाँ इस निकष्ट काल में ही होते हैं, उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं, उनमें तो ऐसे होते नहीं। कि ऐसे तीव्र कसाई जैनावास व्यक्ति भी इस निकष्ट पंचम काल में ही होते हैं, उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं, है ना, उनमें तो ऐसे नहीं होते। उत्कृष्ट काल में, निकष्ट काल में ही ऐसे तीव्र कसाई जैनावासी हो सकते हैं, इसीलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ऐसा निश्चय करना। पुनश्च वह कहे कि कसायों से तो असत्यार्थ पद ना मिलाए, कि ठीक है वो व्यक्ति जैनावास नहीं है, जैन है, उसकी कसाय तीव्र नहीं है, तो वो कसाय से तो असत्यार्थ पद ना मिलाए, लेकिन ग्रंथ करने वाला छपसम ज्ञान का धारी है, सर्वक तो है नहीं जो ग्रंथ लिख रहा है, तो छपसम ज्ञान के धारी हैं, तो यदि किसी शब्द का अर्थ उनको अन्यथा भाषित हो जाए और उसको उसमें लिख दें तो अर्थ कैसा हो गया, असत्यार्थ हो गया, तो उसकी तो परंपरा चलेगी, उसकी परंपरा चलेगी ना फिर, क्योंकि जैन जैनाभास भी नहीं है, जैन है, कसाय भी तीव्र नहीं है, लेकिन छपसम ज्ञान का धारी है। अब उसको यदि किसी शब्द का अर्थ अन्यथा भाषित हो गया और उन्होंने वैसा लिख भी दिया, तो उन असत्यार्थ पदों की परंपरा तो चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, मूलकर्ता की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो कह रहे हैं कि ग्रंथ लिखने वाले छपसम ज्ञान के धारी हैं, तो सर्वज्ञ ज्ञान की, केवल ज्ञान की बात तो हट गई यहाँ से अभी। देखो क्या कह रहे हैं आगे, मूल ग्रंथ कर्ता तो गणधर देव हैं, वे स्वयं चार ज्ञान के धारक हैं और साक्षात केवली का दिव्य धनी उपदेश सुनते हैं, उसकी अतिशय से सत्यार्थी भाषित होता है और उसी के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। तो देखो ग्रंथ बनाने वालों में किसको कैसा ज्ञान है, किसको कितना असत्यार्थ पदों का ज्ञान हो सकता है, वो बता रहे हैं कि मूल ग्रंथकर्ता तो कौन है, गणधर भगवान हैं, गणधर देव हैं, वे स्वयं चार ज्ञान के धारक हैं और साथ साथ दिव्य ध्वनि सुनते हैं, तो उनके उस दिव्य ध्वनि के अतिशय से और अपने चार ज्ञान के छह उपशम से उनको तो सत्यार्थी भाषित होता है और उसी के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं, तो वहाँ तो संभावना नहीं है असत्यार्थ पदों की, इसीलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे गूंथे जाएँ, नहीं गूंथे जाएंगे। तथा जो अन्य आचार्य आदि ग्रंथ बनाते हैं
वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं और वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं कि वो भी उनको भी सम्यक ज्ञान है, ज्ञान सम्यक रूप है उनका और वो मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिन पदों का स्वयं को ज्ञान ना हो उनकी तो वे रचना करते ही नहीं और जिन पदों का ज्ञान हो उन्हें सम्यक ज्ञान पैमान से ठीक गूंथते हैं कि जिनका उनको ज्ञान ना हो उनकी तो रचना करेंगे ही नहीं वो, और जिनका उनको ज्ञान है उसको वो सम्यक ज्ञान से पहले प्रमाण करेंगे कि ये सही है तभी उसको गूंथेंगे, तो वहाँ भी असत्यार्थ पदों की लिखने की संभावना नहीं है। इसलिए प्रथम तो ऐसी असावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे जाते नहीं। सावधानी क्या है कि जिसका ज्ञान नहीं है उसकी रचना करेंगे नहीं और जिसका ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान से प्रमाण करेंगे, और कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो और अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए कि छवसम ज्ञान में अन्यथा अर्थ आ गया और अपने सम्यक ज्ञान में ही वैसी प्रमाणता हो गई कि ये इसका अर्थ तो ऐसा ही है, यदि ऐसी प्रमाणता भी हो गई तो उनका कुछ सारा बस नहीं है। परंतु ऐसा किसी को ही भाषित होता है, सभी को तो नहीं होता, इसलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलने देते, एक बात तो ये। दूसरी बात कि असत्यार्थ यदि उनको भाषित हुआ भी तो क्या भाषित होगा, असत्यार्थ क्या होगा उनको भाषित असत्यार्थ, कि उनकी प्रमाणता में भी आ जाए, उनके अर्थ में भी ऐसा आ जाए कि इसका अर्थ यही है, प्रमाणता में भी आ जाए, किन पदों का अर्थ आ सकता है ऐसा नहीं पता। देखो आगे पंडित जी बता रहे हैं, पुनश्च इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो ऐसे देव गुरु धर्मादिक और जीव अजीव आदि तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं, कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा होता हो ऐसे देवशास्त्र गुरु जीव अजीव आदि तत्व उनका तो श्रद्धान एक श्रद्धानी ग्रस्त को भी सही रूप से होता है, उनको तो वो भी गलत नहीं जानता, तो आचार्य आदि तो कैसे जानेंगे, तो उनकी तो संभावना नहीं है कि आचार्य आदि को अन्यथा भाषित हो जाए। यदि इनका अर्थ अन्यथा भाषित हो गया तो सम्यक दर्शन ही नहीं रहेगा, फिर तो ज्ञान सम्यक रूप ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा होता हो ऐसे देवदुरु धर्मादिक का स्वरूप और जीव अजीव आदि तत्वों का स्वरूप उसका तो श्रद्धानी जैनी भी अन्यथा नहीं जानते, तो आचार्य आदि तो कैसे जानेंगे, है ना। इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है, और जिनको ब्रह्म से अन्यथा जानने पर भी जिन अज्ञा मानने से जीव का बुरा ना हो ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लाए तो भी उसका विशेष दोष नहीं है, कि जो देवशास्त्र गुरु हैं जीव जीव आदि तत्व हैं उनका तो अन्यथा श्रद्धान एक श्रद्धानी ग्रस्त को भी नहीं होता, तो आचार आदि को तो होने की संभावना ही नहीं है, तो इसलिए उनका तो असत्यार्थ पद नहीं गूंथे जाएंगे उससे संबंधित। और यदि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अन्यथा जानने से जिन अज्ञा मानने से जीव का बुरा ना होता हो, कि जिन अज्ञा मान रहे हैं कि जिनेन्द्र देव की ऐसी अज्ञा है, जिनेन्द्र देव ने ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होगा, ऐसे कुछ शब्द हैं यदि उनका अन्यथार्थ भाषित हो भी गया तो जीव का कोई बुरा विशेष बुरा नहीं होता, इसीलिए उनका दोष नहीं है। वही गोमट सार में कहा है, सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजान मान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजान मान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है। असत्य का भी श्रद्धान करता है सम्यक दृष्टि रहता है, कैसे रह सकता है, कि हमने तो यही पढ़ा है कि तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का यथार्थ श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन है, और यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव असत्य का भी श्रद्धान करता है, तो सही लिखा है गलत लिखा है, इसका आंसर आप ढूंढना। मैंने है ना एग्जाम्पल दिए थे बहुत सारे इसके ऊपर जब मैंने क्लास ये विषय लिया था, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ बस अभी। जैसे सपोज करो मैंने कल बताया था विदेश क्षेत्र कहाँ कहाँ है, पंचमुरु संबंधी ढाई द्वीप में है ना, चार
तीर्थंकर जम्बूद्वीप में, 8 घातकी खंड में और 8 पुष्पराध में। और मैंने आपको ऐसा बताया कि 20 विजय क्षेत्र के तीर्थंकर जम्बूद्वीप में ही हैं, मैंने ऐसा बताया और आपने ऐसा मान लिया, है ना, आपने ऐसा ज्ञान भी कर लिया, तो इससे आपके सम्यक दर्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, आत्मा के जानने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो गलत है, सही ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको जानने से सम्यक दर्शन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोई, वो सम्यक दर्शन मिथ्या रूप नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने देवसाज गुरु का स्वरूप अन्यथा नहीं जाना और जीव जीव आदि तत्वों का स्वरूप भी अन्यथा नहीं जाना। और ये भी हमने सही क्यों माना, हमने ऐसा माना कि जिनेन देव की ऐसी आज्ञा है, जिनेन देव ने ऐसा कहा है तो हमने ऐसा मान लिया। तो वहाँ भी हमको जिनेन देव के प्रति श्रद्धान है, श्रद्धान नहीं गया है हमारा, इसीलिए वह सम्यक दर्शन रह सकता है ऐसे पदों का। लेकिन देवसाज गुरु का या जीव जीव आदि तत्वों का ऐसे स्वरूप में यदि हम गलत माने तो फिर वो मिथ्या रूप है ही, फिर वहां तो फिर वो असत्यार्थ हो ही गया, फिर तो उसे बुरा होना ही है हमारा। मैंने उस समय बताया था कि 27वीं गाथा है जीव कांड की, 28वीं गाथा में बताया है फिर यदि किसी ने असत्य का भी श्रद्धान कर लिया अजान मान गुरु के योग से, और फिर बाद में उसको जानने में आए कि मैंने जो जाना वो गलत था, जैसे मैंने आपको आज बता दिया कि विदेश क्षेत्र के भी तीर्थंकर जम्बूद्वीप में रहते हैं, और कल आपने कहीं पढ़ा कि 4 तीर्थंकर जम्बूद्वीप में रहते हैं, 8 घातकी खंड में रहते हैं, 8 पुष्कराध में रहते हैं, और आप फिर भी नहीं माने कि नहीं हमने तो ऐसा जाना है, या मैं अपनी ले लेता हूँ, मैंने आपको ये बता दिया आज कि जम्बूद्वीप में 20 तीर्थंकर रहते हैं, कल मैंने कहीं पर पढ़ा कि 4 तीर्थंकर जम्बूद्वीप में हैं, 4 8 उसमें हैं, 8 उसमें हैं, लेकिन मैं फिर भी कि नहीं मैंने तो ऐसा बताया था क्लास में, मैं तो ऐसा ही बताऊंगा और ऐसा ही मानूंगा, है ना, तो फिर वो जी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब उसने जिनेन्द्र देव की आज्ञा को भंग कर दिया, अब उसको जिनेन्द्र देव का श्रद्धा नहीं रहा, है ना, पहले वो उसको सत्य मान रहा था तो उसका सम्यक दर्शन नहीं गया था, और अभी वो उसको सत्य मान रहा था तो उसका सम्यक दर्शन चला गया, क्योंकि उसको पहले जिनेन्द्र देव का श्रद्धान था, अभी उसको जिनेन्द्र देव का श्रद्धान ही नहीं है, उसने जिन आज्ञा भंग कर दी कि चाहे जिनेन्द्र देव ने कुछ भी कहा हो मैं तो ऐसा ही मानूंगा, है ना। तो उसकी अगली गाथा में ऐसा आचार्य नेमीचंद ने गोमर सार में कहा है, आगे लेते हैं इसको, टाइम हो गया बहुत, थोड़ा सा बचा है। पुनश्च हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है। पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि हमको कोई विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, परंतु इसी विचार के बल से ग्रंथ करने का साहस करते हैं, इसीलिए इस ग्रंथ में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसा ही वर्णन करेंगे, अथवा कहीं पूर्व ग्रंथों में सामान्य गुरु वर्णन था उसका विशेष प्रकट करके वर्णन यहाँ करेंगे, तो इस प्रकार वर्णन करने में मैं तो बहुत सावधानी रखूँगा। सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए तो विशेष बुद्धिमान हों वे उसे संवार कर शुद्ध करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसमें उन्होंने अपनी बहुत निर्माणता प्रकट की है, इस प्रकार शास्त्र करने का निश्चय किया है। अब कौन से शास्त्र बांसने सुनने योग्य हैं और क्या है वो हम विषय ले चुके हैं आगे, ये विषय आपका पूरा हो गया है एग्जाम का, यहाँ तक का, यहीं तक आएगा एग्जाम कल, किसी को कोई शंका होगा भी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कल एग्जाम है ही नहीं, वो नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है, चलो आपको एक वो दे देता हूँ, नहीं पेपर कल ही होगा, जो नहीं दे पाए कल वो परसों दे सकते हैं, संडे को, संडे को सुबह बच्चों,